Hi, this is Nitin Arora. And this is Sony Chandy. And we are Nitz N Sony. And you are watching Bollywood Hungama. Hey, brother, film is releasing on 27th of Feb. And wonderful movie, full on entertainer, comedy, masala, action, emotion, and drama. And great songs. And great songs. ये जो गाना जब पहली बार आया था 15th जनवरी को तो हमने सोचा था कि हाँ इट शुड डू वेल बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ स्टार कास्ट इन इट बट द बेस्ट थिंग इज कि इसमें बहुत लोगों को उनको कुछ और करने का एक प्रेरणा मिल रही इस गाने से क्योंकि अभी मोर देन 50-60 रीमेक्स हैव कम रीमेक्स गाने के ऊपर लोगों ने अपने वीडियो शूट करके डाले हैं सो दैट इज वो बहुत खुशी दे रही है हमें उस बात की कि एट लीस्ट इट्स इंस्टिगेटिंग पीपल्स क्रिएटिविटी कि इस गाने के ऊपर हम अपना विजुलाइजेशन डालें सो इट हैज हिट देम समवेयर डीप इनसाइड एंड टच देयर क्रिएटिव कॉर्ड्स दिस सॉन्ग वाज कंसीव्ड अराउंड 6-7 इयर्स बैक 7-8 साल पहले हम लोग दोनों मदर इंडिया देख रहे थे टीवी पे इट्स अ कल्ट मूवी एंड महबूब खान साहब थैंक्स टू हिम एंड वजाहत मिर्जा साहब जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है एन एस अली रजा साहब जिन्होंने डायलॉग्स लिखे इसके तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था बारिश के दिन थे तो एक डेढ़ घंटा हो गया खाना आया नहीं और हम लोग भूख में तड़प रहे हैं डेढ़ दो घंटा हो गया वेट कर रहे हैं भाई कब आएगा तो फिल्म के बीच में उस टाइम डायलॉग चल रहा है कि बिरजू तो आएगा वह बेटू लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे लाला दत्त साहब सडनली बेल बजते टिंग टोंग और सोनी जंप के कहता बिरजू तू आएगा वा बिटवा और मैंने कंप्लीट किया लाओ लाओ मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रे और दरवाजे की तरफ आते आते मैं लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे तू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू ये इतना हमने मस्ती किया दरवाज़ा खोला खाना आया टूट पड़े खाना ख़त्म किया मदर इंडिया फिल्म कम्प्लीट करी खाना ख़त्म करके बैठे एक दूसरे को देखा बोथ ऑफ अस स्माइल टुगेदर मैंने बॉस ये तो गाना बनेगा भाई अच्छा गाना बन जाए वो थॉट हम लोगों के माइंड में स्टे कर गया तो फिर ये फिल्म के जब गानों की बात आई तो उन्होंने बोला कमर्शियल फिल्म है मुझे सिर्फ 5 हिट गाने दे दो और इतना फेथ उनका हम पे है कि हमारा कन्वेंशनल सेटिंग्स नहीं होता कि कैसा सिचुएशन है और क्या कॉन्सेप्ट है क्या यू नो कैसा गाना बनाना है उन्होंने सिर्फ एक ब्रीफ कि मुझे 5 हिट गाने चाहिए सो दैट वाज आवर ब्रीफ और हमको खुला हुआ हमेशा छोड़ देते हैं कि जो करना है करो हिट गाना चाहिए सो खैर वही उनका जो फ्रीडम क्रिएटिव उन्होंने दी वी हैव ट्राई टू डू जस्टिस एंड बाकी सब स्टार्स का आशीर्वाद मिला है अमित जी ने गाने के बीच में रुक के हमारे लिए ताली बजाई उससे बड़ा आशीर्वाद हो ही नहीं सकता एंड ऑल ऑफ देम हैव ग्रेस्ड द ट्रैक इनिशियली जब वो ट्रैक सुनता है तो ये ट्रैक का एक खासियत यह है कि इधर आप उसको पसंद करोगे या फिर उसको नापसंद कर दोगे बीच में कोई रास्ता नहीं है तो हमें ये जरूरी था कि ये कम से कम जो सुन रहा है वो कम से कम 2 या 3 बार इसे सुने तभी उसे समझ में आए क्योंकि पहली बार सुनते ही आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है जैसे रहमान साहब के कुछ गाने हैं जो आपको पहली बार सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा लेकिन 4 दिन बाद आपसे सर से निकलेगा नहीं वो गाने वैसे ऐसे खूबसूरत गाने स्टेज विद यू स्टेज इन योर माइंड सो तो ये गाना भी कुछ उस डायरेक्शन में था तो हमें लगता था कि इसे कुछ नॉन फेसेस प्रेजेंट करेंगे तो उसको समथिंग वी वर होपिंग कि किस रिपीट वैल्यू कुछ मार्केट के लोग 2-4 बार इसको एक बार सुन लें उसके बाद हमें उम्मीद थी कि ये इट विल डू इट्स मैजिक कुछ करेगा दिमाग के साथ कि इट विल स्टे और वो मैजिक मास्टर जी ने कर दिया कि जो सबको बड़े स्टार्स को लाके उस पे फीचर किया एंड बाकी सारा ऑल क्रेडिट गोज टू आर टेक्निकल टीम ऑल्सो जो हमारे टेक्नीशियंस हैं आर एडिशनल प्रोग्रामर संदीप महात्रे जिन्होंने उसमें अपना मैजिक ऐड किया देन विजय दयाल वाज वन ऑफ द टॉप इंजीनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री जिन्होंने गाना मिक्स किया एंड डोनल विलन फ्रॉम हैफर्ड मास्टरिंग जिन्होंने गाना मास्टर किया सो दैट्स वाई इट इज़ सो फैट एंड पावर पैक्ड सो वी कैनॉट फॉरगेट आर टेक्नीशियंस क्यों बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट हमारी पूरी टीम है जिन्होंने मिल के ये गाना बनाया है बाकी मास्टर जी का आशीर्वाद और सपोर्ट है आई वुड से कि वी आर टू बॉडीज विद वन माइंड हम लोग का ईश्वर का कुछ कृपा ऐसी रही है बेसिकली हम लोग का बैकग्राउंड भी सिमिलर है वी कम फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री हम दोनों होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं और इत्तेफाक बोलो हम मिले भी इत्तेफाक से मिले भी इत्तेफाक से और काम भी इत्तेफाक से शुरू हुआ और टाइमिंग भी हमारा ऐसे हुआ है मतलब आप हमको कंपोज करते हुए देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड इट्स अ गॉड गिफ्ट कि ये आधी जैसे बिरजू का आपको पता लगा आधी लाइन ये बोलते हैं मैं कंप्लीट कर देता हूँ या आधी लाइन मैं बोलता हूँ ये कंप्लीट कर देते हैं वो मेलोडी में भी हर चीज़ के अंदर वो चीज़ हमारा अपने आप वो ऊपर वाले का ग्रेस है, जो ग्रेस है और 12-13 साल से हम लोग ये कर रहे हैं तो इट हैज बीन ऑलवेज लाइक दैट अक्षय जी ने तो बोला कि 4 दिन से मेरे सर पे यही गाना चल रहा है और मैं यही सुन रहा हूँ
तो ऐसे ये अच्छा लगता है जब ऐसे सितारे आपके गानों को सराहना करें और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि कमिंग फ्रॉम देम दे आर लेजेंड्स एंड स्पेशली विद रणवीर रणवीर सिंह का तो वो भाई तो गाने को छोड़ नहीं रहते वो हमने बोला कि बस मास्टर जी ने कहा कि हो गया अभी इतना ही काफी है मास्टर जी एक और छोड़ देता हूं इससे बेटर हो सकता है मतलब डीप डाउन उनको कहीं ना कहीं टच किया है कि इस गाने के ऊपर मुझे मेरी क्रिएटिविटी ऐड करनी चाहिए उदित नारायण जी का आशीर्वाद है वी हैड थॉट ऑफ हिम 7 इयर्स बैक कि ये गाना तो उदित जी ही गाएंगे एंड देन फॉर द लाला पार्ट मिका पाजी वाज देयर एंड देन देयर आर टू रैपर्स ऑन द सॉन्ग आर्या आर्या इज अ वेरी वेल नोन रैपर आर्या को बुलाया एंड आई सेड कि यार आर्या हमको इसके अंदर एक और रैपर चाहिए तो थोड़ी जुगलबंदी टाइप का फील आ गया क्योंकि मिका पाजी भी रैप कर रहे हैं वो हरियाणवी टाइप का उनका रैप है आपका एग्रेसिव रैप रहेगा एकदम वायलेंट की एक आदमी गुस्से में लाला को मारने निकला है ही रोट वर्सेज हिमसेल्फ जो लाला वाले पार्ट्स थे जो मिका पाजी ने जो हरियाणवी पार्ट्स थे वो प्रणव हमारे जो लिरिसिस्ट हैं उन्होंने लिखे और फिर आर्य ने हमको एक नए रैपर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है नेजी ही यूट्यूब पे वो उनका एक आफत करके गाना है कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा बहुत ही टैलेंटेड रैपर है और ये बहुत कमाल बात थी कि एक रैपर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रैपर आर्य जिन्होंने एकॉन वगैरह के लिए भी ओपन किया है ही इज़ रेफरिंग अनदर रैपर अपना कॉम्पिटिशन को वो हमारे पास भेजने की भाई इस आदमी को चांस तो ब्रिलियंट है वो भी हमें, पाजी वो भी हमें। गाने बनाओ मेरे लिए यार मैं वांट टू वर्क विद यू गाइस सो दैट इज वेरी नाइस गिवन व्हाट एनकरेजिंग सच लेजेंड्स आर वांटिंग टू वर्क विद यू अमित जी जैसे स्टारों को आशीर्वाद देने कि बेटा वेरी गुड वर्क कौन है म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने मैसेज से पूछा बुलाओ म्यूजिक डायरेक्टर कौन है सो दैट वाज वेरी नाइस इट वाज वेरी हंबलिंग डीजे ये जो गाना शुरू हुआ था तो ये भी तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है तो जब निट्स ने मुझे बोला कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब ये पहले डीजेइंग करता था मैं दिल्ली में डीजेइंग करता था बेसिकली तो थोड़ा टाइम के लिए किया मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आई यूज्ड टू डीजे फॉर एज अ हॉबी तो ऐसे इस इंसिडेंट में ऐसे इसने नरेट किया ये इंसिडेंट कि ऐसा हुआ था यार मैं प्ले कर रहा था तो एक सरदार जी आए बोले यार मेरा गाना प्ले कर दे डीजे गाना बजा दे यार पहले बड़े प्यार से स्टार्ट हुए सरदार जी बोलते हैं कि 2-4 डाउन थे तो बोले ओ पाजी पाजी वो मिक्का पाजी का गाना बोलो कमाल के बाद मिक्का पाजी का गाना बोला था उन्होंने कि वो सावन में लग गई आग बजा दो मैंने कहा हाँ सर अभी कुछ और टेम्पो पे गाने चल रहे थे मैंने हाँ जी पाजी बजाता हूँ थोड़ी देर में फिर वापस आए बोले वीर जी वो गाना बजा दो यार मेरा मिक्का पाजी था मैंने हाँ जी पाजी बजाता हूँ फिर और एक दो लगा के आए होंगे तो यू वॉज लिटल ये ओ भाई गाना बजा दे मिक्का भाई दा तो अभी पाजी से वीर जी से भाई पे आ चुके हैं चौथी बार ना अभी वो फुल एकदम टाइट होंगे मतलब उन्होंने आके मुझे लुक दे रहे हैं खाली देख रहे हैं और ऐसे से हिल रहे हैं तो आई एम गेटिंग एम्बेरेस कि यार ये मतलब मारेगा वारेगा तो नहीं मतलब ढूंढ रहा हूँ कि वो मिक्का पाजी का गाना कहाँ है कि एक दो गाने के बाद लगा देता हूँ नहीं तो ये आज मार पड़ेगी थोड़ी देर में पाजी एकदम से वो फ्यूज उड़ता है उनका निकला और डीजे बीप और मेरा गाना बजा दे तो वो सुना मैंने उस टाइम मैंने गाना तो बजा दिया और सोनी को मैंने आके इंसिडेंट बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हुआ तो बहुत हंसे हम लोग मैंने बोला ये तो बहुत कमाल का हुक लाइन है डीजे मेरा गाना बजा दे हर डिस में जब भी आप जाते हो किसी के लिए आपको गाना प्ले करना आप डीजे को जाके ही बोलते हो हर कोई आदमी आके आपको बोलता है कि भाई गाना बजा मैं अपना म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ यार मैं मेरे पैशन के लिए कर रहा हूँ फिर वॉइस की बात आई कि कौन गाएगा तो द फीमेल ट्रैक एंड हु बेटर देन दी पावरफुल ट्रैक बोला तो एक पावरफुल क्लब ट्रैक मतलब दी सुनिधि चौहान सुनिधि चौहान जी के साथ हमने पहले भी 3 गाने किए हैं बट इस गाने में जो उन्होंने टच दिया है मतलब वी वर ऑल्सो उनका एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी दिया है वो पूरा डिफरेंट पर्सनैलिटी उन्होंने दिया है एक डिफरेंट टेक्सचर दिया है उसको जिस लेवल पे वो उसको ले गई हैं प्लस सुनिधि जी के साथ इसके अंदर एक और सिंगर हैं देयर इज अ मेल पार्ट ऑल्सो दैट दैट हैज बीन ग्रेस्ड बाय अली जाफर पाकिस्तानी एक्टर डायरेक्टर तो यहाँ बोले तो ये भी म्यूजिक डायरेक्टर है और उन्होंने पहली बार किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के लिए काम किया तो दैट वाज वी हैव बीन वेरी लकी कि हमारे इस पूरी एल्बम में 3 म्यूजिक डायरेक्टर हैं हिमेश जी हैं अनु मलिक जी ने गाना गाया मिक्का जी के साथ लाइन लगा और अली जाफर जी हैं अब ये इन लोगों को लाना ट्रैक पे ये सब मास्टर जी कर सकते हैं सो दैट सपोर्ट वॉज ऑलवेज देयर ये जो गाना अगेन हम लोग एक इंसिडेंट पे रिसेंट इंसिडेंट थी थोड़ा कड़की चल रही थी तो मैं कुछ बजा रहा था तो अचानक से नितिन आया बोला यार पैसे सारे खत्म हो रहे तो मैं बड़ा सैड था और ये एकदम मस्ती के मूड में था उस दिन मैंने बोला कि इनको यार मैंने भाई सब पैसे खत्म हो गए यार क्या करेंगे तो एकदम से बजाते बजाते ऐसे देखा यूं करके कि वो परेशान हो रहे वाला लुक दिया कहता है नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा तो इसने कंप्लीट किया
खाली फुकट बैठेंगे तो कैसा मिलेगा, खाली फुकट बैठेंगे तो कैसा मिलेगा, वी स्टार्टेड लाफिंग, स्ट्रेस बस्ट हो गया हमारा, हंस लिए, और उसके बाद फिर वो हमारे एक लुक आया लाइक एक और गाना बन गया बॉस. तो वैसे ही हमारे गाने बने हैं, रियल लाइफ के इंसिडेंट्स हैं. पहले सिचुएशन दिया गया था अजय जी हमारे डायरेक्टर हैं कि एक आइटम सॉन्ग है, विलेन का एंट्री है और विलेन का इंट्रोडक्शन, एंड वी हैविंग माही गिल एज अ गेस्ट अपेयरेंस इन द सॉन्ग. तो थोड़ा वो हेलन जी वाला टाइप का एक मतलब मौसम बनेगा उसमें, बट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल चॉइस वॉज श्रेया घोषाल फॉर द फीमेल पार्ट. She is amazing, what a singer, velvet voice. जो मधुरता है उनकी साउंड में और जो पावर है उनकी साउंड में, दोनों चीज कॉन्ट्रास्ट है, पावर और स्वीटनेस साथ में आना, कम वॉइसेस में है. हमने मेल वॉइस सोचा कि इसमें कौन कर सकता है, कौन बेस्ट रहेगा, यूनैनिमस डिसीजन, एक ही नाम, उन्होंने कहा एक ऐसी आवाज चाहिए जो स्टैंड आउट करे, बॉस आई एम हियर. तो वो एक ही नाम हमारे माइंड में आया, हिमेश रेशमिया जी. बट हमने एक हिमेश जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था कहीं पे कि मैं ए आर रहमान के अलावा किसी के लिए नहीं गाऊंगा, तो बट स्टिल वी थॉट वी विल टेक अ चांस, एंड हमने मास्टर जी को ये आइडिया बाउंस किया कि हिमेश जी गा सकते हैं क्या, तो बहुत अच्छा होगा. मास्टर जी बोले अच्छा, मैंने कहा पर वो गाएंगे नहीं ऐसा उन्होंने बोला है, पर एक उन्होंने सलमान भाई के लिए हेड संग सॉन्ग फॉर साजिद बाजी, सो देन वी हैड सम होप, दैट्स व्हाई वी बाउंस्ड टू मास्टर जी. उन्होंने बोला हिमेश मुझे बहुत प्यार करता है, बात करते हैं. तो ही कॉल्ड हिमेश जी, उन्होंने बोला मिलने आइए, फिर मिले, उन्होंने बोला गाना सुनाओ, मुझे भेजो गाना, फिर गाना भेजा उनको, ही हर्ड इट, नेक्स्ट ही कॉल्स, ही लाइक द सॉन्ग, सेड आई विल सिंग इट. हम नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जब माइक पे थे तो हमें ऐसा फील उन्होंने नहीं होने दिया कि वो दी हिमेश रेशमिया है, जितने टेक्स हमको चाहिए थे, जैसा हमको चाहिए था, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हुए तब तक उन्होंने बार बार पूछे आप ओके है ओके या आपके लिए ओके, मैं कॉल देता हूँ. हमारा पहला गाना जो रिलीज हुआ था वो आशा भोसले जी ने गाया था, इट वॉज अ फिल्म कॉल्ड तीसरी आंख, हैरी बवेजा जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एंड इट वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड, इट्स कॉल्ड शराबी हूँ. हमने स्वामी किया, स्वामी के अंदर के एस चित्रा जी को चेन्नई से बुलाया, साउथ से, शी इज़ ए नाइटिंगेल ऑफ साउथ, उनको साउथ के नाइटिंगेल बोलते हैं, उनके साथ मौका मिला काम करने का. हरिहरन जी, तो ही इज़ अगेन स्टॉलवर्ट. तो हमारे पहले जो फिल्म, तो उसमें हमने इन्हीं लोगों के साथ काम किया, और नए टैलेंट के साथ भी हम काम कर रहे हैं. आज उदित जी हैं तो साथ में मिक्का पाजी हैं, हु इज़ द रूलिंग, ये और दो नए, मतलब एक आपके रैपर आर्या है, नेजी हैं, जो नए टैलेंट को भी हम नेजी को प्रमोट कर रहे हैं उसमें. कबड्डी टीम है, कबड्डी सॉन्ग है तो कबड्डी टीम है, तो जितने कबड्डी के प्लेयर्स हैं वो सारे सोनू जी हैं बेसिकली. और ऐसा लग रहा है कि अभी वो अंदर से एक कैरेक्टर को निकालते हैं कि एक बौना है, तो ये बौना निकल के आया, वो गाना गा के वो चला गया, फिर दूसरा इंसान अंदर से निकाला उन्होंने और फिर वो गा के चला गया. गाने का ये है कि आप उस एक चतुरनार जो था वो हमारा इंस्पिरेशन, उस तरीके का, उस लेवल का हमें एक गाना करना है. हाँ, किशोर जी का, किशोर और उस वेरिएशन देने वाला, उतना वेरिएशन जो किशोर जी का वेरिएशन था वो देने वाला आदमी ढूंढने से आपको भी समझ में कौन है. इंसान है वो, है सोनू निगम जी. तो That was a unanimous choice. मतलब उसमें तो क्या सोचने वाले, वो गाना उनके लिए ही बनाया गया था. वो यूएस जा रहे थे, यूएस के ट्रिप पे जा रहे थे, सर प्लीज आप प्लीज करके जाओ, प्लीज करके जाइए. मास्टर जी ने फोन किया, फिर बोले सोनू प्लीज मेरा गाना करके जाओ, मतलब कोई और कर ही नहीं सकता, इसलिए गाना स्क्रैप करना पड़ेगा. कि उन्हीं के लिए बना था, और सबसे अच्छी बात गाना उन्होंने गाया तो पूरा तो लाफ राइट था हमारा, रिकॉर्डिंग में भी, हमारे रिकॉर्डिंग जितना लाफ्टर पूरा वो गाने में हुआ ना, जितना स्टूडियो में हुआ रिकॉर्ड करते हुए उस गाने को, मतलब वो हम जिंदगी में आज तक नहीं हंसे होंगे इतना. गाना खत्म करने के बाद उनको सी ऑफ करने गए तो उन्होंने, मैंने कहा सर आई होप इट वॉज फाइन, तो एक ही लाइन उन्होंने बोली कि आज एग्जाम हो गया, तो बोल के स्माइल किया, कंधे पे हाथ रखा एंड ही लेफ्ट. आशीर्वाद है उनका, ब्लेसिंग्स हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा है जिसको ये अगले 10 साल हम लोगों को और ये काम करने की ताकत दे देगा. Hi, this is Faridun Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.